राम करके पूरा हर लूट ले रहा है। जय श्री राम बोल रहा, गैस का दाम बोल रहा, जय श्री राम बोल रहा, ट्रोल का दाम बोल रहा। 2019 में 18 एमपी था, कौन एमपी खड़ा हुआ बोलिए, कौन एमपी भला किया बंगाल के लिए बताइए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा, कोलकाता के न्यू मार्केट में मौजूद हूं और हालचाल लगातार यहां का जान रहा हूं कि यहां के जो लोग हैं उनकी सोच क्या, इलेक्शन को लेकर क्या कुछ वोट देने के लिए वो सोच रहे हैं, किसको वोट दिया जाएगा, ममता दीदी को देने वाले हैं या बीजेपी को एक नया मौका देने वाले हैं। तो यहाँ के लोगों से ही जानते हैं उनकी राय क्या है। इस बार इलेक्शन बहुत नजदीक आ गया है, ऐसे में आप इस बार किसको वोट दे रहे हैं? दीदी को, आँख बंद करके। इतना भरोसा? इतना भरोसा दीदी का ऊपर, क्योंकि दीदी अच्छा आदमी है, दीदी काम किया बंगाल के लिए। बीजेपी क्या किया है, दो बार जीत चुका है, कुछ किया भी बंगाल के लिए? जय किसान जय जवान, किसान लोग मर रहा है, 15 लाख रुपया का वो भी वादा किया, BSNL बेच दिया, रेलवे बेच दिया, पैसा वाला को पैसा वाला बना रहा, अडानी को और अंबानी को, गरीब को एकदम ढकेल दे रहा है, तो उसको कैसा वोट देगा आदमी, कैसा विश्वास करेगा? नहीं, 5 साल की बात है, कोई 1 साल की बात होती चल जाता, 5 साल का समय है। आँख बंद करके देंगे मोदी का, तेरा भूल से भी नहीं देंगे वोट। तो मोदी जी इस बार कह रहे हैं कि 22,000 करोड़ की लागत से कोलकाता को बदलेंगे, रोजगार देने वाले हैं। झूठ बात सब, भरोसा क्यों नहीं है? नहीं, बात जुमला है, क्योंकि इससे पहले भी अमित शाह ने बोला था ये सब तो जुमला है, तो हम यकीन क्यों करेंगे? 15 लाख देने का वादा जब किया था, तो उसके बाद जब इसका इंटरव्यू लिया गया अमित शाह का, तो वो तो डायरेक्ट बोलता है जुमला है, तो हम इसके ऊपर क्यों भरोसा करेंगे? बीजेपी पार्टी पे हम भरोसा नहीं कर सकते उसके ऊपर में। 5 साल उसको, एक क्या काम क्या करते हैं आप? हम सेल्समैन है, और हम सेल्समैन क्या है, मोदी भी सेल्समैन है, इंडिया का हर चीज बेच रहा है, BSNL बेच रहा है, रेलवे बेच रहा है, सब प्लेटफॉर्म बेच रहा है, बेचते पूरा इंडिया का बेच दिया आधा। क्या कह रहे हैं? 15 लाख कोताए गेलो, 200 कोटी नौकरी कोताए गेलो, शुद्ध जुमलाबाजी कोल्ली हो गए, खाली जुमलाबाजी करने से नहीं होगा, उसका वादा पहले पूरा कीजिए, तब आगे हमसे वोट मांगिए, तब हम आपको वोट देंगे। खाली सोनार बांग्ला बोल देने से थोड़ी ना होगा, आपको हाथ का हाथ में देंगे, आप उदास बांग्ला बना दीजिए। जब तक आप उनको एक मौका नहीं देंगे, तो आपको कैसे पता लगे वो काम कर रहे नहीं कर रहे हैं? मौका काहे नहीं देंगे? तेल का दाम कम कीजिए, किरासिन तेल, पेट्रोल तेल, सरसों तेल, सबका दाम कम कीजिए। राम देखिए, राम का नाम में खाली बम करने से नहीं होगा, राम राम करके पूरा हर लूट ले रहा। जय श्री राम बोल रहा, गैस का दाम बोल रहा, जय श्री राम बोल रहा, ट्रोल का दाम बोल रहा। इनसे बात करेंगे, आप इस बार वोट किसको देने वाले हैं? दीदी को देगा। एक बार परिवर्तन तो कीजिए, परिवर्तन क्यों करना नहीं चाहते हैं? ये परिवर्तन जिसका साला कोई माने नहीं है, किसका परिवर्तन, किसको देना चाहता है आदमी, किसको वोट देगा? जो आपका भला करे, किसको भला करेगा? 15 लाख जितना बात बोला था मैनिफेस्टो में, एक भी हुआ है बताइए? एक भी नहीं। सरकारी संपत्ति बेसरकारीकरण हो रहा है, जितना भी बैंक था सब बेसरकारीकरण हो रहा है, आम आदमी का क्या होगा भैया, कौन देखेगा? आम आदमी के लिए रोजगार देने की बात बीजेपी कर रही है, सुनार बांग्ला को डबल सुनार बांग्ला बनाने का बात कर रही है, तो मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? हर साल में 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया है? 412 रुपया, 412 रुपया गैस का भाव हो गया 900। ये बीजेपी का राज में हुआ है ना? हाँ, 51 रुपया पेट्रोल का दाम चला गया है, 100 लगभग 190। इसमें सेंचुरी मार लिया, तो उम्मीद क्या रखेगा इसका ऊपर, कहाँ से आएगा? आप देखिए, चाणक्य यहाँ पर आए थे, अमित शाह आए थे यहाँ पर, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ जीत ही जाते हैं, तो यहाँ भी आ गए हैं, तो उम्मीद तो लग रही है? कुछ नहीं उम्मीद है, जीरो है। क्या कह रहे हैं? चुनाव आयोग चाहे तो जीता दे। तो चुनाव आयोग तो किसी की जेब में नहीं होता ना, बिहार में देखिए ना क्या हुआ, बिहार में देखिए, आपको बोला आप जीत गए, सर्टिफिकेट लीजिए, अब दूसरा को दे दिया बीजेपी वाला को, किया ना, कैसे हुआ? अगर चुनाव आयोग परफेक्ट रहेगा तो बीजेपी जिंदगी में जीत नहीं कर रहा है। 40,000 करोड़ का यह इन्वेस्ट कर रहा है, वो इन्वेस्ट अगर किसी इंडस्ट्री में करे, आम आदमी का भलाई के लिए करे, तब ना जानेगा। 22,000 करोड़ तक बना तो रहे हैं भाई, कहाँ भैया, क्या किया है? बनाने की कह रहे हैं ना, मौका तो दे। मौका 10 साल में कहाँ था मौका? 2014 में आया था, अभी 21 हो गया है, एक भी चीज हाथ लिया है, लगा कुछ किया है? एमपी था भाई यहाँ 2019 में, 18 एमपी था, कौन एमपी खड़ा हुआ बोलिए, कौन एमपी भला किया बंगाल के लिए बताइए? मिल रहा है एमपी, 18 एमपी कैसे मिल गया? अभी उसको आदमी नहीं मिल रहा है, कैंडिडेट खड़ा करने वाला एमपी को खड़ा कर रहा है, सोमम मित्रा का वाइफ को खड़ा कर रहा है, जिसको मालूम ही नहीं जबरदस्ती का,
और वो बोल रहा हम 200 पार कर देंगे, कैसे कर दीजिएगा, जबरदस्ती आप हमको टिकट दीजिएगा, हम नहीं लेंगे जबरदस्ती टिकट दे रहा, टिकट लेके घूम रहा कि कोई ले लो भैया, बोल रहा है कि 200 पार कर देंगे, इतना आसान है 200 पार कर देगा। बंगाल में सरकार नहीं है बीजेपी का, बंगाल में सिर्फ दीदी चाय, बांग्ला निजर मेक के चाय। ठीक है, ये सभी से मेरा सवाल है कि बंगाल के लोगों का भला चाहते हैं या मुख्यमंत्री पद पे दीदी चाहते हैं? दीदी दीदी भला कर रही है तभी दीदी को चाहते हैं। दीदी अगर भला नहीं करेगी तो फिर दीदी को क्यों चाहेंगे? दीदी 2-in-1 है, दीदी 2-in-1 और कुछ नहीं है। बंगाल में दीदी भी चाहिए और बंगाल का लोग का भला भी करिए दीदी, इसलिए दीदी को बोला था 2-in-1। ठीक है, तमाम तरीके की यहाँ पर योजना आने की बात भी कह दी गई है कि देखिए टीएमसी तो यहाँ पे है लेकिन बीजेपी आने की कोशिश कर रही है, तो तमाम तरीके के वादे कर रही है और वादों को निभाने की बात भी कर रही है, उस पर कितना भरोसा करेंगे? कुछ नहीं, कहाँ करते हैं वो, सब जगह वादे ही करते हैं, पूरा कहाँ गए हैं? अभी एक काम भी पूरा किए, जितना वादा किया उसमें से एक काम भी पूरा करके दिखा दीजिए, तब हम जानेंगे बंगाल वाले, तब बंगाल वाले जानेंगे। हमारा जो बंगला है वही रहने दिए, हमें सोना का बंगला नहीं चाहिए, जो हमारा बंगला है वही बंगला रहने दिए, यहाँ दीदी है दीदी चाहिए। आप लोग आके यहाँ पर विकास की बात करें, विकास कैसे होता, विकास काम से होता, वोट कैसे मांगा जाता, काम से मांगा जाता, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके नहीं मांगा जाता। यहाँ देखिए हमारे साथ एक बुजुर्ग है, आज से 40 साल से यहाँ बंगाल में काम करते, आज तक उनको यहाँ पर सब हम लोग मिलजुल के रहते लेकिन इनको कुछ तकलीफ नहीं हुआ, वो हिंदू है लेकिन तकलीफ नहीं हुआ, आज तक नहीं तकलीफ हुआ। यहाँ आके बोलते हैं योगी जी 24 घंटा मेरा सरकार बनेगा, 24 घंटा का ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे योगी जी पहले ये देखिए, ये बंगाल है यूपी नहीं है, जो ये कर देंगे वो कर देंगे, आएंगे बंगाल का नाम चेंज कर दिया, इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया, मुगल्स राज से दीनदयाल उपाध्याय कर दिया, ये सब नहीं होगा, ये बंगाल है, यहाँ दीदी का चलेगा। तो दीदी का चलेगा ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा भी देखा जा रहा है कि दीदी का यहाँ पे खौफ इतना हो गया कि उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, क्यों बोलेगा, दीदी से मोहब्बत है, दीदी काम करती है, यहाँ कर दिया तब ना बोल रहा माम भैया, दीदी काम कर दी है, हम लोग हॉकर लोग को बहुत फर्स्ट लेडी दी है, हम लोग आराम से रोजी रोटी कमा रहे हैं, हमारा पेट आराम से चल रहा है, घर जाती है, हमारा जो पेट चलेगा जिससे तो हम उसी का नाम लेंगे ना। दीदी सबके घर घर जाती है ना, दीदी ऐसी थोड़ी ना आती है, सबका दिल में बसी हुई दीदी, हर छोटे छोटे बच्चे का घर जाती तो है। जब तक आप एक बार विपक्ष को मौका ही नहीं देंगे तो ये आप जज कैसे कर पाएंगे कि वो जुमला दे रहे हैं या सच्चाई देंगे? विपक्ष को मौका कैसे दिया जाएगा? इंडिया के अंदर आप भी कंट्री में उसको मौका दिया गया, वहाँ का आवाम के लिए क्या किया, आर भी उल्टा के आवाम को परेशानी में डाल दिया, नोटबंदी, एनआरसी का नाम कर गया अपना काम, क्या किया 7 साल में, क्या किया वो सोना का बंगला कहाँ से बना देगा? हसरत में लड़के का रेप होता है, रात रात पुलिस का पुलिस जला देता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा यूपी गुंडा राज चल रहा है, वो लोग का गुंडा राज चल रहा है, गरीब लोग का लड़की को रेप करता है, रातों रात उसका पुलिस जाकर चला देता है, ऐसा होता है घर में, इसीलिए हम लोग नहीं चाहते बंगाल में हम लोग का बहन का रेप हो, हम लोग नहीं चाहते, इसीलिए बीजेपी को आने नहीं देंगे, हम लोग आने नहीं देंगे बीजेपी को। जिस तरीके से आपने देखा कि तमाम लोग हैं उनकी अपनी अपनी राय है लेकिन इलेक्शन में बहुत कम समय बचा है, तो अब ये वक्त बताएगा कि जीत किसके पगड़े में जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।